नायक नहीं खलनायक हूं मैं, और इस बार संजू बाबा नहीं बल्कि भाईजान सलमान खान बोलने वाले हैं ये बात। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों आपको बता दूं तो जब खलनायक फिल्म आई थी तब इसका जो क्रेज चढ़ा था, सब इंडस्ट्री वालों ने, सब मीडिया लोगों ने, इनफैक्ट सारे ऑडियंस ने बाबा को खलनायक बना दिया था। बाबा आते हैं, खलनायक की भूमिका निभाते हैं और हमारे दिलों में राज करते हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि खुद इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि सुभाष घाई साहब ने क्या बोल दी है बड़ी बात। देखिए भाई, सुभाष सर ने, आपको बता दूं दोस्तों, तो फिल्म के सीक्वल की बात जब उनसे पूछी जाती है तब उन्होंने कहा था कि भाई मैं सीक्वल नहीं बनाऊंगा क्योंकि उससे कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकती है, ओरिजिनल पार्ट हैम्पर हो सकता है। सो बेटर है कि मैं कुछ ऐसा प्लान आउट करूंगा कि मैं सीक्वल नहीं बल्कि रीमेक बनाओ। जी हाँ दोस्तों, अब बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट आई है जहां पर ये बात का खुलासा हुआ है कि सुभाष घई साहब खलनायक 2 बना रहे हैं जो कि रीमेक होगी, और इसमें दोस्तों जो नाम सामने आया है वो भाईजान सलमान खान का आया है। जी हाँ, सलमान खान इस बार बनेंगे खलनायक और वो गाना गाएंगे नायक नहीं खलनायक हूं मैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों मैं कि सुभाष घई साहब इस बार प्लानिंग कर रहे हैं रीमेक की, और इस बार वो भाईजान सलमान खान को लेना चाहते हैं, और सलमान भाई ने अगर हाँ कह दिया ना दोस्तों तो ये जो खलनायक फ्रेंचाइज है इसको एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देंगे, और पहले ओरिजिनल आती है फिर रीमेक आएगी, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आएगा और हम इंडस्ट्री के दो खास दोस्तों को इस आइकॉनिक किरदार में देखने का मौका मिलेगा। पहले संजू बाबा, फिर उसके बाद सलमान खान। लेट्स सी सलमान भाई इसमें होते हैं या नहीं होते, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या है राय ये मैं जानना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जाएं मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरीके के चटपटे अपडेट्स मैं आपको बताता रहूंगा। नायक नहीं खलनायक हूं मैं।